है, क्या किया हमारे साथ बोल। तब हिम्मत नहीं थी बात करने की, हम लोग यंग थे, हमारे पापा गुजरे थे, तब हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत पैदा हुई, चल निकालो रेटिंग चाहिए ना, चल देते रेटिंग। साजिद खान इन दिनों बिग बॉस 16 में दिखाई दे रहे हैं। शो में एंट्री के बाद से ही साजिद सुर्खियों में बने हुए हैं और अब शर्लिन चोपड़ा ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। शर्लिन ने साजिद खान पर कई गंभीर आरोप लगाए। जोर का झटका लगा जब पता चला कि बिग बॉस के मेकर्स ने साजिद खान को अपने घर पर आमंत्रित किया। ये उम्मीद नहीं थी बिग बॉस से, बिल्कुल नहीं थी, खासतौर पर सलमान खान सर से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे पापा ऑफ हो गए थे, अप्रैल का महीना था, उन्हीं दिनों में साजिद खान ने मुझको बुलाया अपने घर पर एक स्टोरी नरेशन के बहाने। तब मुझे नहीं मालूम था कि साजिद खान असल में कितना गलीज है, कितना घटिया है, ये सब नहीं मालूम था। तो ये सोचकर मैं गई कि बंदा जो है वो फराह खान का भाई है, फिल्म मेकर है, बड़ी फिल्में बनाता, चलो इसके साथ काम करते हैं, जुड़ते हैं, बॉलीवुड में कुछ बड़ा करते हैं, बड़ी हीरोइन बनते हैं, ये सपने देखकर मैं गई वहाँ पर। और स्टोरी नरेशन के दौरान बंदा जो है वो अचानक अपना दिखाता, बोलता कि डू यू वॉन्ट टू टच इट, फील इट, अच्छा 10 में से कितने नंबर दोगे। मैं परेशान, मैंने बोला अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पापा को खोया, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है, कोई मजाक है क्या, कोई प्रैंक कर रहे हैं आप मेरे साथ। तो नहीं 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 प्लीज़ टच इट ना, फील इट ना, कैन यू रेट इट। ये रेटेड 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 क्या तो भी है, ये नॉनसेंस। मैं हिल गई पूरी तरह से, मतलब एक यंग लड़की, आई मस्ट हैव बीन 18, 19, 20 एंड एट सच अ यंग एज आई लॉस्ट माई फादर। तो हमदर्दी दिखाने के बजाय, सहानुभूति दिखाने के बजाय बंदा अपना दिखा रहा। उसके बाद मतलब समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे शिकायत करूं, मैं फराह खान से करूं शिकायत, कौन फराह खान, वो फराह खान जो शाहरुख खान के इतने करीब हैं, जो टॉप सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं, उनके पास जाकर मैं क्या शिकायत करूं। तो मुझे लगा मेरी ही गलती है, अगर मैं नहीं गई होती तो ये सब नहीं होता। तो कई साल तक मैंने खुद को कसूरवार ठहराया उस वारदात के लिए। फिर धीरे धीरे जब मीटू मूवमेंट शुरू हुआ, तब एहसास हुआ कि अरे इस बंदे ने न सिर्फ मेरे साथ बल्कि और भी कई महिलाओं के साथ गलत किया, अत्याचार किया, उनका यौन शोषण किया। इंसान ने कई महिलाओं के साथ अत्याचार किया, यौन शोषण किया, उसको बिग बॉस के मेकर्स बुलाकर उसकी मेहमान नवाजी कर रहे, खातिरदारी कर रहे, हाँ बोल रहे आओ खेलो हमारा गेम, खेलो रियलिटी शो में भाग लो, रियलिटी शो है ना, उसकी रियलिटी बाहर आने दो ना, आप क्यों छुपा के रख रहे हो उसकी रियलिटी। उसको आपने मौका दिया बिग बॉस के घर में आकर खुद को पेश करने के लिए, हाँ कैसे खुद को पेश कर रहा वो, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं लाइफ में, कुछ भी गलत नहीं किया, निर्दोष एकदम ऐसे पेश कर रहा खुद को। तो हमको भी बुलाओ, सारी पीड़ित महिलाओं को बुलाओ बिग बॉस के घर के अंदर, हम भी जाते, हम भी बात करते उससे, हम पूछते उससे क्या किया बे, क्या किया हमारे साथ बोल। तब हिम्मत नहीं थी बात करने की, हम लोग यंग थे, हमारे पापा गुजरे थे, तब हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत पैदा हुई, चल निकाल पर निकाल रेटिंग चाहिए ना, चल देते रेटिंग नेशनल टेलीविजन पर, हम देते रेटिंग। गलत कर रहे बिग बॉस के मेकर्स, सलमान खान सर गलत कर रहे। साजिद खान के साथ साथ शर्लिन चोपड़ा ने सलमान खान को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। मैं शुरू से बोल रही सलमान सर को कि सलमान सर अनुरोध है आपसे, बुलाओ हमको भी बुलाओ, आपने उस मोलेस्टर को मौका दिया ना घर में बुलाकर, आप क्या करवा रहे उससे, आप गेम खिला रहे, हाँ उसकी खातिरदारी कर रहे, खिला रहे पिला रहे, क्या है ये ड्रामा क्या है, हमको भी बुलाओ, हमको भी मौका दो, हम भी आएंगे बिग बॉस के घर में, हाँ उसकी गलतियों पर पर्दा डाला जा रहा है, क्यों 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 क्यों, हमसे कोई हमदर्दी नहीं है, हमारी पीड़ा से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। अरे क्या हुआ शर्लिन, चल आ मेरे पास बहन, बोल क्या हुआ, क्या है तेरी समस्या, बोल मैं बोलूंगी भाईजान, आप भाईजान हो ना, सब लोग आपको भाईजान बोलते ना, आप सबके भाई बने फिरते हो ना, बनो मेरे भाई भी बनो, मेरे मुलशर को अपने घर से बेदखल करो, ये बहन की आरजू है,
गुजारिश है मेरी एक भाईजान से। शर्लिन ने कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है, वो लॉ की पढ़ाई कर रही हैं और उनके घर का गुजारा भी अच्छे से चल रहा है। मुझे कोई डर नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री वाले काम देंगे नहीं देंगे, मुझसे डर जाएंगे क्या, बुलाएंगे क्या इवेंट्स के लिए, अपीयरेंसेस के लिए, ऐसा कोई भी डर नहीं है। मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो काम का कोई टेंशन नहीं है मुझे। आप लोग नहीं बुलाना चाह रहे मत बुलाओ, मैं थूकती हूँ ऐसे काम पर जिसके लिए महिला को किसी के की रेटिंग देनी पड़े, ऐसे काम को मैं अस्वीकार करती हूँ, मैं ठुकराती हूँ ऐसे काम को, मैं थूकती हूँ ऐसे काम पर, नहीं चाहिए मुझे बॉलीवुड के ये डबल स्टैंडर्ड्स, नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या क्या चलता सबको पता है, ड्रग्स लेते, नेपोटिज्म चलता, फेवरेटिज्म चलता, सेक्सिज्म चलता, खुले में क्या बोलते उसको डिप्रेशन के नारे लगाते, अरे मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ बोल के बोलते रहते, और बंद कमरे में क्या करते सबको पता है, दम मारो दम चलता, नशा करते, गांजा लेते, चरस लेते, खुले में ये फैमिली वैल्यूज़ की बात करते, बंद कमरे में क्या करते दिखाकर बोलते ज़रा टच करके बताओ ना कैसा है, 10 में से कितने नंबर दोगे, ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स चाहिए ही नहीं मुझे। अरियाँ हम पीड़ित महिलाएं, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, हम रोड पर उतर आएंगे, हम जाएंगे बिग बॉस के घर में, घर के बाहर हम मोर्चा लगाएंगे, जुलूस निकालेंगे, हमारी पीड़ा को हमारे अनुभव को वो खारिज नहीं कर सकते, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।